स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बैक बेंचर पे। दोस्तों हाल फिलहाल में अभी बार्क ने साइंटिस्ट बनने के लिए पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट को जारी किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइंट अगर आपको बार्क में इंटरेस्टेड है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो विदाउट गेट और विथ गेट आप कैसे बार्क में अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकते हैं विथ गुड पैकेज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग लिखेंगे बार्क ऑनलाइन। बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको लिखना होगा, बार्क ऑनलाइन, तो आपको इसको सर्च करना होगा। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपका पेज खुलता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वेलकम टू बार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो अगर आप बेसिक साइंस बैकग्राउंड जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप साइंस को चूज कर सकते हैं, अगर आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप इंजीनियरिंग को क्लिक करेंगे। जब इंजीनियरिंग को क्लिक करने पर ये इनका पोर्टल ऐसे खुलेगा जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में हमने जाना है, तो एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन को हम लोग क्लिक करते हैं। जब हम एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन को क्लिक करेंगे तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के एलिजिबल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, न्यूक्लियर साइंस है, फास्ट फैक्टर टेक्नोलॉजी है, ये सब आपके डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। और ये आपको विथ वैलिड गेट स्कोर के साथ भी हो सकता है और विदाउट वैलिड गेट स्कोर के साथ भी आपको ये ऑफर किए जाएंगे एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम बात करेंगे तो आप देखिए, तो क्वालिफाई करने के लिए आपका बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होनी चाहिए। फिर आपके पास एप्लीकेंट शुड बी हैव अ गेट स्कोर वैलिड, हैव यू वैलिड 2020 और 20 और 21 का गेट स्कोर से भी अलाउ ये कर रहे हैं। 20 और 21 का अगर गेट स्कोर है तो आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन अगर गेट स्कोर की बात करें तो गेट स्कोर आपका मिनिमम 800 प्लस होना चाहिए, 850 प्लस होना चाहिए, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके सिलेक्शन के। अदरवाइज 800 से बिलो है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, तो आप उसको एग्जाम्स भी दे सकते हैं और बोथ गेट स्कोर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सिलेक्शंस के लिए तो आप बोथ एग्जाम और गेट के थ्रू बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे के रखा है, मिनिमम 60% मार्क्स रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर आपका एज लिमिट देख रखा है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपका 26 ईयर, ओबीसी 29 ईयर्स, एससी एंड एसटी 31 ईयर्स का आपका दे के रखा हुआ है। अगर हम फी की बात करें तो अगर आपको एडमिशन फी करने के लिए ₹500 आपको भरने होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर चलिए देखिए, अगर हम ग्रेड और पीए स्केल का बात करते हैं तो ग्रेड और पीए स्केल आपका 56,100 से 7th पे कमीशन पे आपका मैट्रिक्स लागू होगा, जिसकी आपकी मंथली इनकम 95,000 पर मंथ की अराउंड बनती है। ओके चलिए, और अगर हम सिलेक्शंस प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शंस प्रोसेस क्या होगा, एक आपके पास ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे जो आपका साइंस के लिए होंगे और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर जो आपका 2020 और 22 का 21 का जो गेट स्कोर है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जाम आपका मिनिमम 2 आवर्स का होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, फिर ऐसी 3 टायर्स की आपको टिकट दी जाएंगी, ट्रैवलिंग के लिए आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आपका इंटरव्यू करेगा। अगर इम्पोर्टेंस डेट की बात करें तो आपका ये फॉर्म 12 जुलाई को आ चुका है, आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 7 अगस्त और लास्ट ऑनलाइन सबमिशन का 9 अगस्त। ऑनलाइन एग्जाम स्लॉट्स आएंगे 20 से 25 अगस्त के बीच में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एग्जाम्स आएंगे 15 से 12 के बीच में, लिस्ट ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट 21 सितंबर को होगा, एबिलिटी बेसिस ऑफ पोर्टल इंटरव्यू स्लॉट्स होंगे 24-28 और इंटरव्यू सिलेक्शन क्या होंगे 4 से 29 तक होगा, और डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट लिस्ट आपका 2nd वीक ऑफ नवंबर में आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और आपके डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड आपको 30 नवंबर तक सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप बीटेक फ्रेशर्स हैं या एमटेक करने वाले हैं और आपने गेट दे दिया है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं कि 95,000 पर मंथ आपकी पेमेंट होगी जो बहुत स्टैंडर्ड है इन इंडिया। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।